और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। किसान आंदोलन को लगातार कई महीनों से लगातार आप सभी के सामने हम लेकर के आ रहे हैं हर खबर। भाई गुरनाम सिंह चडूनी जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है किसान यूनियन के, भाई कुंडली बॉर्डर पर यहाँ पर आ गए और जो दिल्ली पुलिस है उस तरफ वहाँ पर खड़ी है। अब पूछते हैं गुरनाम जी से, अध्यक्ष जी से, भाई खुद नहीं जाना चाहते या फिर पुलिस नहीं जान दे रही। राम राम जी। राम राम जी। देखिए जी, किसानों में गुस्सा है कि पहले इन्होंने हमें जाने नहीं दिया, अब वो बुला रहे हैं, अब हम नहीं जाएंगे, अब हम रोड रोक के रखेंगे, ऐसा गुस्सा है। तो हमने वो फैसला जो है पंजाब के जो हमारे साथी हैं उन पर छोड़ दिया है कि वो जो फैसला लेंगे वही हमारा फैसला, हरियाणा वालों का फैसला भी होगा। कितने दिनों की गुरनाम जी तैयारी करके आप, कितने दिनों की तैयारी करके? हमारी अनिश्चितकालीन तैयारी है, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम दिल्ली के मोर्चे पे। चलो, क्या किसानों को क्या संदेश आप देंगे यहाँ पर? किसानों को लंबी कतार 10 किलोमीटर का जो लगातार, ये संदेश देना चाहेंगे कि हरियाणा के सारे किसान अपने काम धंधे छोड़ के, किसान किसान नहीं बाकी जनता भी, क्योंकि देश विरोधी कानून हमने बदलवाने हैं और सबको उन आमंत्रित करते हैं कि सबको यहाँ पहुँचना चाहिए। क्या लगता है मोदी सरकार झुक पाएगी ऐसे में? झुकाने वाले चाहिए जी, झुक तो बड़े बड़े जाते हैं, झुकाने वाले चाहिए और मेरे को उम्मीद है कि ये आंदोलन पार होगा। चलिए सर, तो ये थे हमारे साथ गुरनाम चडूनी जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है किसान यूनियन के। राजेंद्र जी हमारे साथ जो किसान नेता हैं, लगातार साथ में लगे रहते हैं, दिन रात मेहनत करें। राजेंद्र जी क्या लगता है, इतनी भीड़ में लगातार जो किसान लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँच गए हैं, उसके बावजूद भी सरकार से कोई बातचीत हुई है? फिर सरकार ने हमें बुराड़ी में जो ग्राउंड है निरंकारी सत्संग भवन का जी, वहाँ आने का निमंत्रण दिया था सरकार ने जी, पर तीन काले कानूनों के ऊपर सरकार का रवैया बिल्कुल भी नरम नहीं है, 1% भी लचीला नहीं है। और अब यहाँ हमने आपसी बातचीत करके, हरियाणा के सभी किसान संगठनों ने, किसान अगुओं ने बात करके, पंजाब की जो 31 किसान जत्थेबंदियाँ हैं उनके ऊपर ये फैसला छोड़ दिया गया है। जो रास्ते में बैरिकेड लगे, जो ट्रक लगे, जो बैरियर लगे और जो खाइयाँ खोदी गई उनको लेकर भारी असंतोष है और बहुत ही गुस्सा है किसानों में। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि किसानों, जब अम्बाड़ा से किसान यहाँ पर दिल्ली पहुँचने वाले थे तो रास्ते में जो वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए या फिर बैरिकेड उनके रास्ते में अड़ाए गए, मिट्टी से भरकर ट्रंक उनके रास्ते की बाधा बनाने का प्रयास किया गया, यहाँ तक कि कई जगह लाठीचार्ज तक भी की गई। तो ऐसे में किसान गुस्सा हैं, गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि इनको यहाँ पर दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा था, बावजूद भी हर बाधाओं को निरंतर लांघते हुए सफलतापूर्वक किसान यहाँ पर पहुँच गए हैं जी। जिस तरीके से जितना ये जी दबाने का प्रयास करेंगे जी, उतना आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। अगर ये पीपली में हमें ना रोकते, लाठियां ना मारते, हरियाणा में तो जो पीपली से ही आंदोलन ज्यादा बढ़ता है, बिल्कुल तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, आज अगर ना रोकते तो आज भी थोड़े संख्या में लोग आने थे, पर लोगों ने जो रिएक्शन देखा, विरोध होता है तो उसका आपका संगठन दुगनी ताकत से उभरता है, बहुत दुगनी ताकत से उभरता है। बिल्कुल, एक मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, जब अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने एक नजरबंदी का एक कानून बनाया था जी जी, कोई आंदोलन करता था या कोई ऐसी गतिविधि करता था जो सरकार को लगता था मेरे खिलाफ है तो सरकार उसकी मुखबरी करा लेती थी, नजरबंद कर लेती थी। पर जब से देश आजाद हुआ है, जब से देश आजाद हुआ है और ये सरकारें जो आई हैं और खास तौर पे पिछले अब 6 साल में प्रिवेंटिव डिटेंशन जो एक्ट है, मतलब सुरक्षा के तहत जो ये गिरफ्तारी करते हैं और मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रही, उसका एहतियातन गिरफ्तारी हम उसको बोल सकते हैं हिंदी में पूर्ण रूप से, उसका दुरुपयोग बहुत भारी तरीके से कर रहे हैं, गिरफ्तारियां करी उससे भी आंदोलन बढ़का है। गिरफ्तारी की है किसानों की उससे भी आंदोलन बढ़का है, क्योंकि जब 26 नवंबर को दिल्ली के ऊपर किसानों ने कूच करनी थी, 25 तारीख को दिन में भी और 24 तारीख की जो रात है किसानों की गिरफ्तारी की गई, इसको लेकर के भी जो आंदोलन है लगातार आग की तरफ बढ़ता ही गया है। बुजुर्ग किसान हमारे साथ क्या कहना चाहेंगे, किसानों का जोश देख करके 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक का जो जाम है, ट्रैक्टर ट्रैलिया किसान यहाँ पर आए हैं उसको देख करके किस प्रकार का जोश है, लाखों की संख्या में किसान पहुँचे हैं? किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण चले हुए था जी, सरकार ने ऐसा रवैया बनाया जी कि ये कोई पाकिस्तान के गुरुवादी तो नहीं है, कोई चीन के गुरुवादी तो नहीं है, हरियाणा का किसान है, युवादाता है। हाँ। हम प्रधानमंत्री को कहते हैं इनके साथ ऐसा वो करे गया, तीन तीन बोर से खड़े गएगी। हाँ।
किसानों के ऊपर घोड़े दागे गए। अरे ये गुरुवादी तो नहीं है, ये किसान आ जंतर मंतर पा दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, अपना हक मांगने के लिए जा रहे थे, कहीं से जेबीसी के लोग मशीन पटवा दी। चलो अब इतने प्रयास कर दिए, इतनी बाधाओं को लांग करके आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, दिल्ली पहुँचने वाले हैं। सुनने में आ रहा है कि सरकार कह रही है कि आप आ जाइए दिल्ली, आराम से हम रास्ता देने वाले हैं, लेकिन अब सरकार किसान कह रहे हैं नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम यहीं पर बैठेंगे। क्या लगता है कि सरकार आपकी जो मांगे हैं वो भी मान सकती है? अब हम शांतिपूर्ण जा रहे थे, सरकार ने हमारे ऊपर लाठी डंडे का प्रयोग किया, तो हम आगे क्यों जाएंगे? जी जो हम शांतिपूर्ण जा रहे थे तो सरकार ने लाठी डंडे का प्रयोग किया, जी जी हम आगे क्यों जाएंगे? इतने थोड़ी सरकार हमारी बात नहीं मानती, इतने थोड़ी किसान यहाँ डट का बैठ गया, चाहे महीना लग जाओ, चाहे दो महीने लग जाओ, चाहे चार महीने लग जाओ, अपना राशन लेने के लिए आ रहा, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे। तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से दिल्ली के कुंडली बॉर्डर के ऊपर ही आप देख सकते हैं। लगातार हमारी टीम, हमारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हरीश कपूर ने जिस प्रकार से लगातार यहाँ की कवरेज दिन के अंदर भी आप सभी के सामने हम लेकर के आए थे, एक एक पल की जानकारी लगातार आप सभी के सामने हम लेकर के आए, चाहे काफिले की बात करें, चाहे अम्बाड़ा से लेकर के दूर दिल्ली तक की हमारी पूरी टीम लगातार सभी के सामने किसान आंदोलन का हम कवरेज कर रहे हैं। तो आगे देखना ही होगा कि मोदी सरकार क्या 3 अध्यादेश को लेकर के, MSP को लेकर के क्या झुकेगी, क्या किसानों की मांग मानेगी या नहीं मानेगी। ऐसे में किसानों का कहना है कि हम तो अनिश्चितकालीन धरना, यानी कि जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी तब तक यहीं पर बैठे रहेंगे या फिर दिल्ली के अंदर भी एंट्री करेंगे। वो प्लानिंग के अनुसार जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं वो मिल करके जो नेतृत्व करें वो फैसला लेंगे, उसके अनुसार उसकी अगुवाई में ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। और इसी प्रकार से ग्राउंड मीडिया लगातार आप सभी के सामने हम कवरेज लेकर के आ रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी हो चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की हो, आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। ग्राउंड मीडिया के लिए दिल्ली से मैं जब भारद्वाज।